कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। चने के बाजार के बारे में बात करते हैं। बहुत ज्यादा गिरावट के साथ चने में कारोबार देखा नहीं जा रहा है। ताल मिलों की खरीद कमजोर होने से कीमतों में 50 रुपए तक की हल्की कमजोरी दर्ज करी गई। हफ्ते भर में इसके दाम 150 से 200 रुपए प्रति क्विंटल तक कमजोर देखे गए। व्यापारियों के अनुसार चने में दाल मिलों की जो डिमांड है वो कमजोर है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया से आयातित चना जो चना है वो नवंबर और दिसंबर में आएगा, जबकि घरेलू बाजार में अच्छी क्वालिटी में चने में जो सीमित मात्रा में ही कारोबार देखा जा रहा है। खपत का जो सीजन है वो चलने के कारण दाल और बेसन में अच्छी डिमांड बाजार में बनी रहेगी, इसीलिए कीमतों में अच्छी बाजारों में आपको तेजी देखने को मिलेगी। खरीद करना एक अच्छा फैसला हो सकता है, ऐसे में कीमतों में फिर से सुधार आने का अनुमान है। दाल मिलों के पास बकाया स्टॉक सीमित मात्रा में बचा हुआ है। हालांकि जानकारों के जो आगे के भाव हैं उसमें सुधार आने पर स्टॉक आप हल्का कर सकते हैं। रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो 50 रुपए तक दाम घटकर 7600 से 7625 रुपए प्रति क्विंटल देखे गए। दिल्ली में राजस्थान लाइन के चने के दाम और मध्य प्रदेश में जो रेट देखे गए वहां पर भी 50 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। 7750 से लेकर 7575 रुपए प्रति क्विंटल तक का मार्केट में रेट बना रहा। ओवरऑल मार्केट में जो ट्रेंड है वो आपको यहाँ से अभी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। चने के बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप यहाँ से, तो आने वाले टाइम में आपको और भी तेज़ी चने के बाजार में देखने को ज़रूर मिलेगी। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। अब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।